we have reached the top of the lighthouse. Look at the view. Good morning from Varkala. It's our day 2 in Varkala. कल हमने वर्कला को पूरा एक्सप्लोर किया, आज फिर हम वर्कला में एक्सटेंड कर रहे हैं अपना प्लान. मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था वर्कला से, उससे ट्रिपल खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है. और अभी वर्कला में हम एक्सटेंड कर रहे हैं तो इसकी वजह से हमें हमारा जो एलएपी का प्लान है उसकी कुर्बानी देनी पड़ रही है. बट दैट्स ओके. आज हम एक तो लाइट हाउस जाएंगे दोबारा, वहाँ पे फोर्ट भी है एक, वो करेंगे और फिर लाइट हाउस के नज़ारे देखेंगे ऊपर से कैसा दिखता है. जहाँ पे हमारा हॉस्टल है उसके पास में ही एक आयुर्वेदिक सेंटर है, वहाँ पे हम लोग मसाज का सोच रहे हैं. और जो पीछे आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये दिस इज़ क्लिफ, और ऊपर ये पूरा का पूरा जो लाइन है ये वहाँ तक, वो ये मार्केट है. तो ये भी हम एक्सप्लोर करेंगे. ये पूरा नाइट मार्केट यहाँ पे काफ़ी अच्छा लगता है, मतलब दिन में भी होता है पर रात में और ज़्यादा मज़ा आता है. एक ट्रिप लेने जा रहे हैं समुद्र के अंदर विद फ्रूट्स, बाद में फ्रूट्स खाएंगे डिहाइड्रेट होने के बाद. After taking a dip in the sea, हम लोग फटाफट से रेडी हो गए. यहाँ पे आयुर्वेदिक मंडल, ये नाम से एक आयुर्वेदिक, ये मतलब इनके कोर्सेज होते हैं अलग अलग. तो हम लोग सिर्फ एक मसाज करवाने आए हैं, 45 मिनट्स का ड्यूरेशन रहेगा उसका. और एक तो दो टाइप की मसाज इनके पास, एक है क्या था अभी, शिरोधरा, और जिसमें वो कंटिन्यूसली ऑयल धारा जो होती है वो ऑयल की, वो यहाँ पे माथे पे गिरती रहती है और मसाज वो करता रहता है बंदा. और दूसरी है अभिंग, उसमें वो नहीं होता. तो हमने पूछा था उससे, वो बोला था उसने कि जो शिरोधरा होती है दैट इज़ रिकमेंडेड फॉर लॉन्गर पीरियड, लाइक आप लगातार 1 वीक तक अगर करते हैं तब उसका ज़्यादा फ़ायदा रहता है. तो हम अभिंग जो है मसाज वो करवाने वाले हैं. 1400 इसने हमें कॉट किया था, बट हम लोगों ने 900-1000 तक उसको कन्विंस कर लिया है. मसाज करके तो मज़ा आ गया भाई, पूरे एक घंटे की मसाज थी. और मतलब एकदम रिजुविनेटिंग, रिफ्रेशिंग, पूरा ब्लड सर्कुलेशन, सब जो भी थकान थी सब दूर. तो ये जहाँ पे हम गए थे, जो वर्कला का मेन बीच है उससे जस्ट थोड़ा सा 200-300 मीटर दूर पे है ये एक आयुर्वेदा मडोम नाम से. तो अगर आप वर्कला में आ रहे हैं या केरल में कहीं भी आ रहे हैं, केरल की स्पेशलिटी है मसाज, आयुर्वेदिक मसाज, तो आप ज़रूर करवाइए यहाँ पे. सो फाइनली आज हम लोग दोबारा कोशिश करने के बाद, मतलब कल भी हम आए थे यहाँ पे, आज सक्सेसफुली हमें एंट्री मिल गई है लाइट हाउस में. सो दिस इज़ लाइट हाउस, आप देख पा रहे होंगे ये. तो अभी हम अंदर जाएंगे, ऊपर टॉप तक जाएंगे और देखते हैं टॉप पे कैसा व्यू है. फाइनली वी हैव रीच्ड द टॉप ऑफ द लाइट हाउस. वो नहीं करना, लीन मत करना. लुक एट द व्यू,
लाइट हाउस के एक तरफ एकदम खुला समुद्र, थोड़ा सा इस तरफ आए तो एकदम ब्यूटीफुल कोकोनट ट्रीज ऑल ओवर देयर, ब्यूटीफुल स्ट्रीट देखना बीच में, एकदम कितना सुंदर रास्ता है। और इधर जैसे ही कोकोनट ट्रीज को थोड़ा इधर आते हैं, इधर बैक वाटर्स बोटिंग सिस्टम चालू, बोटिंग भी चल रही है। और देख ब्रिज दिख रहा है वहाँ पे, वो कितना सही है यार, रिवर वेज। सो ये फोर्ट का नाम क्या था? अंजेंगो फोर्ट जिस जगह का नाम। और ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर आता है ना? यस। तो देखते हैं, टाइम मिलता तो 5 मिनट घुमाएंगे अंदर। यार देखियो ये जो सड़क जा रही है, रोड जा रहा है, कितना ब्यूटीफुल लग रहा है, एकदम बीचों बीच जंगल से। अभी हम यहाँ के मज़े लेते हैं, आप लोग इन व्यूज़ के मज़े लीजिए। Come. Yeah, okay. 5 minutes, be coming. तो अभी हम रास्ते में आ रहे थे जब लाइट हाउस से बीच की तरफ, मेन बीच की तरफ वर्कला, तो रास्ते में एक ये ब्यूटीफुल सा छोटा सा स्पॉट दिखा मैं, और हम आ गए। बहुत ही खूबसूरत सा एक सनसेट देखने के बाद हम लोग पहुंचे श्री जनार्दन स्वामी टेम्पल। ये मंदिर 2000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मंदिर में विजिट करने के बाद हम लोग अपने हॉस्टल गए, थोड़ा रेस्ट किया और शाम को बीच पर गए जहां पर थी म्यूजिकल नाइट। हमारे हॉस्टल में कुछ इटालियन टूरिस्ट आए हुए थे, उन्होंने सबको इटालियन खाना बना के खिलाया जो बहुत ही टेस्टी था। और यहीं पर खत्म होता है हमारा केरल का ये 8 दिन का बहुत ही खूबसूरत सफर, जिसको हमने बहुत एंजॉय किया। फिर मिलेंगे एक नई जगह पे कुछ नए एक्सपीरियंसेस के साथ। Oh.